अरे भैया मोबाइल नीचे। राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, हमारी आस्था का विषय है। और करोड़ों लोग देश विदेश में चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर वहाँ बने, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये आस्था का विषय है और हम लोग सब संकल्पित हैं। और निश्चित रूप से ये उन लोगों को सोचने का विषय है जिन लोगों ने जब कोर्ट में त्वरित सुनवाई का फैसला हुआ और करोड़ों लोगों को बड़ी खुशी हुई कि त्वरित सुनवाई का निर्णय हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने कोर्ट में भी पैरवी करके और कुछ लोगों ने इस प्रकार राजनीतिक आधार पर इस विषय को रखा और त्वरित सुनवाई का उन्होंने कोर्ट में भी विरोध किया। ऐसे लोगों की मैं कह नहीं सकता कि मैं तो यही कह सकता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा एक गूंजा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो हमारी पौराणिक पृष्ठभूमि है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिनसे हमारी पहचान है, जिन जिन मानबिंदुओं के साथ उत्तर प्रदेश में हमारी पहचान पूरी दुनिया में है, उन तमाम मानबिंदुओं को पुनर्जीवित और उन्हें आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। और जब ऐसे मानबिंदुओं को बढ़ाने का काम कोई मुख्यमंत्री करता है तो तमाम शहरों में तमाम लोगों की आवाज़ें उठती हैं, तमाम लोगों को उम्मीदें होती हैं, और उम्मीदें उसी से होती हैं जो काम करता है। मैंने कहा ना, उम्मीद उन्हीं लोगों से होती है जो काम करते हैं। अब तमाम ऐसे मानबिंदु जो हमारे प्रदेश के हमारे देश के गौरव को बढ़ाते हैं, उन तमाम मानबिंदुओं को बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने किया है। सर,